नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न टेक्निकल में। फिर से दोस्तों नई जॉब की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। रिक्रूटमेंट आ रही है दोस्तों राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। रिक्रूटमेंट काफ़ी अच्छी है दोस्तों। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ऑपरेटर ट्रेनिंग, इन सभी पोजिशन के लिए आवेदन मांगे गए, मैनेजर ट्रेनिंग और उसके बाद जो है वो ऑफिसर्स के लिए। आप सभी भारतीय इंडिया के किसी भी स्टेट से आते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी भी जो है वो इतनी कम नहीं है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 01062020। तो यहाँ पे दोस्तों आप चाहे तो ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं, ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट डिप्लोमा वालों के लिए भी रिक्रूटमेंट है, बाकी और भी बीएससी वालों के लिए रिक्रूटमेंट है। तो डिटेल में बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या मांगा गया है, कैसे आवेदन करना है, सिलेक्शन प्रोसेस, सभी चीज़ों के बारे में। शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली जो जॉब अपडेट है उसकी जानकारी आपको टाइम पे मिल जाए। तो एक एक करके दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो नेम ऑफ दी पोस्ट जो पहली है वो है दोस्तों मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 60 है। रेगुलर 4 साल की अगर आपने बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं आप केमिकल डिसिप्लिन में, केमिकल टेक्नोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो रखी गई है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग बॉयलर के लिए यहाँ पे 4 साल की बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो है आवेदन कर सकते हैं। केमिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, ये सारे लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन साथ में जो है वो बॉयलर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए दोस्तों यहाँ पे 4 साल की बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मैकेनिकल डिसिप्लिन वाले आवेदन कर सकते हैं। 60% मार्क्स कम से कम जो है वो मांगे गए हैं। उसके अलावा दोस्तों मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए भी यहाँ पे जो है अगर आपने 4 साल की बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं आप इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में आप एलिजिबल हैं, अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। 60% मार्क्स हैं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहाँ पे दोस्तों 4 साल की बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं आप इंस्ट्रूमेंटेशन में तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंजीनियरिंग केमिकल वाले भी अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। बीई, बीटेक, बीएससी अगर आपने कर रखी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कुछ रिक्रूटमेंट में एक्सपीरियंस मांगा है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, आपको खुद आके भी एक बार नोटिफिकेशन रीड करना पड़ेगा ताकि आपसे जो है वो कोई चीज़ मिस ना हो जाए। मेरे से भी काफ़ी चीज़ें मिस हो गई होंगी, लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन रीड करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएगी। यहाँ पे दोस्तों ऑफिसर मार्केटिंग के लिए भी अगर आपने एग्रीकल्चर से संबंधित डिग्री कर रखी है एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ऑपरेटर ट्रेनिंग में केमिकल के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बीएससी केमिस्ट्री वाले आवेदन कर सकते हैं। डिग्री है फिजिक्स में और केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद दोस्तों बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो है डेट की, कि कब डेट तक, किस डेट तक जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए, तो 30 जून तक आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका सीधा मतलब यही है कि फाइनल रेल वाले एलिजिबल नहीं है। एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज़ फीस जो है वो रखी गई मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। बाकी अगर आप आते हैं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, तो किसी भी तरह की फीस पे करने की जरूरत नहीं है। बाकी जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो वहां पे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे आपको पता चल ही जाएगा कि क्या फीस का क्राइटेरिया जो है वो रहने वाला है। बाकी दोस्तों बात करें यहाँ पे सैलरी की, तो 30,000 पर मंथ जो है वो 1 साल के लिए आपको सैलरी मिलेगी अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट कर जाएंगे उसके बाद आपको जो है वो 70,000 से ज्यादा तक जो है वो सैलरी अप्रॉक्सीमेटली मिल जाएगी। उसके बाद उसी तरह दोस्तों ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ पे सैलरी पहले थोड़ी कम रहेगी पहले साल, उसके बाद जैसे ट्रेनिंग की आप 1 साल का कंप्लीट कर जाते हैं उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। बात करें दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, उसके बाद इंटरव्यू के माध्यम से आपकी सिलेक्शन होगी। यहाँ पे बात करें आपका जो टेस्ट होने वाला है वो भोपाल, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, इन जगह पे जो है वो होने वाले हैं। जो मीडियम होगा टेस्ट का वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जो है वो होने वाला है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार आके जरूर जो है वो रीड करिएगा। यहाँ पे दोस्तों बात करें अप्लाई कैसे करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन आवेदन अभी शुरू नहीं हुए हैं। 29 जून से आवेदन शुरू हो रहे हैं जो चलेंगे 15 जुलाई 2020 तक, इसी के बीच में आपको आवेदन करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों यही सब कुछ लिखा गया नोटिफिकेशन में, लिंक सारे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन में दिए ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। बड़ी अपॉर्चुनिटी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज्यादा है। अगर आप इलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 70,000 पर मंथ आपको सैलरी मिल जाएगी। ज्यादातर रिक्रूटमेंट में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, क्योंकि ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट में एक्सपीरियंस बहुत कम जो है वो मांगा जाता है और मांगा ही नहीं जाता है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।